हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गाइलर मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए पर पोटाश से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं कि आप इसे कौन कौन सी फसल के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो, क्या इसका MRP है और क्या इसके बेनिफिट है। इन सभी से जुड़ी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलेगा ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे और इस वीडियो की आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपको आगे नई वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो परब का पोटास होता है इसकी ये 500 ml की पैकिंग आती है। मुख्य तौर पर इसको सभी फसलों के अंदर यूज में लिया जा सकता है, जैसे कि गन्ना, धान, गेहूं, जौ, सरसों, कपास, मतलब और वेजिटेबल की जो फसलें होती हैं उन सभी के अंदर इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। हम बात करते हैं धान के अंदर। देखिए, धान के अंदर जब आपकी फसल है 50 से 55 दिन की हो जाती है तब इसका आप स्प्रे कर सकते हो। उसके अंदर आप 400 से लेकर 550 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसकी डोज रख सकते हो। धान के अंदर भी गेहूँ के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। जब आप गेहूँ के अंदर आप इसका प्रयोग करते हो तब आप इसकी डोज है वो उस समय भी आप इसके 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसकी डोज रख सकते हो। देखिए, इसके आप जब बैलियाँ निकलनी शुरू होती हैं उससे पहले भी, जब आपके दान है के अंदर बालियां निकलनी शुरू होती है उस समय भी आप इसको उससे पहले भी यूज कर सकते हो और बालियां निकलते समय भी आप इसको यूज कर सकते हो। देखिए, इसके क्या बेनिफिट होते हैं। अब हम धान से ही शुरू करें। देखिए, एक तो ये जो उसकी न्यूट्रेंट होता है पोटास की, उसकी कमी को पूरा करता है। और साथ में ये उसके अंदर फल और फूलों की संख्या को बढ़ाता है। साथ में उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी बढ़ाता है, ताकि वो उसके रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। और एक उसके अंदर चमक लाने का भी काम करता है, और जो आपकी बाली हैं जो खाली रह जाती हैं उनको भी भरने का ये काम करता है। जो कि न्यूट्रिएंट उसको पूरा मिलेगा तो उसकी सारी बालियां हैं वो भर जाती है। इसी प्रकार गन्ने के अंदर पोटास है, पोटास उसके अंदर वजन बनाने का काम करता है। साथ में उसके अंदर जो उसका गन्ने को मोटा और लंबा और मजबूत बनाने का काम करता है। इसी प्रकार आप गेहूं के अंदर भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जब गेहूं के अंदर बालियां आने से पहले भी यूज कर सकते हो, एक बालियां आने के बाद में भी यूज कर सकते हो। इसी प्रकार कपास के अंदर भी और सोयाबीन वगैरह फसलों के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए, डोज है, अलग अलग फसल के अंदर अलग अलग डोज हो सकती है, वो डोज सेम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपका पौधा छोटा है तो उसकी डोज कम करनी पड़ती है। अगर प्लांट की जो आपकी ग्रोथ है वो अच्छी हो चुकी है तो उसकी डोज थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। तो डोज पर आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि डोज प्लांट के हिसाब से होती है, ना कि एकड़ के हिसाब से, क्योंकि एकड़ के हिसाब जब होता है जब आपकी फसल पकने के कगार पर होती है, तब छोटी फसल में छोटे ही न्यूट्रेंट दिए जाते हैं, ज़्यादा न्यूट्रेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी आपके फसल को हानिकारक पहुँचा सकते हैं। बात करते हैं इसकी प्राइस की। देखिए, जो इसका 500 ml का प्राइस है वो 305 रुपये आता है। आप इसको बेच दीजिए, किसी भी फसल के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ में आपके फल फूलों की संख्या को बढ़ाता है और चमक भी लाने का यह काम करता है। और ये पोटास की कमी होती है खेत के अंदर उसको भी पूरा करने का ये काम करता है। अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी प्रकार हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब